इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खयामगाह पर हमला करने वाला एक शख्स मरकजी वजीर बंडी संजय और मलून राजा सिंह का हामी निकला। दिल्ली में जुमेरात की रात सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी खयामगाह पर हमला करने वाला मरकजी वजीर बंडी संजय और मलून रुकन असम्बली राजा सिंह का हामी निकला, जिसने गुज़िश्ता रात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खयामगाह पर उनके नाम की तख्ती पर इसराइल की तायद में पोस्टर लगा दिया और पथराव किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी शिनाख्त बीजेपी के सरगर्म कारकुन विनोद के तौर पर हुई है, जिसने हरकत की है। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वाज रहे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की कौमी दारुल हुकूमत में वाक़ खयामगाह पर हमले के बाद अशरार ने उनके मकान की गेट और बोर्ड पर इसराइल की तायद में पोस्टर लगाते हुए हमला आवरों ने सदर मजलिस के घर पर आई स्टैंड विद इसराइल के पोस्टर लगाए और उन्हें ना अहले करार देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की थी। सदर मजलिस की खयामगाह पर लगाए गए पोस्टर हिंदी जबान में लिखा है कि भारत माता की जय, असदुद्दीन ओवैसी की अहलियत मनसूख की जाए। सदर मजलिस की खयामगाह पर हमले के वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुट्ठी भर लोग एक रुकन पार्लियामेंट की खयामगाह के सामने खड़े होकर नाराबाजी कर रहे थे और वीडियोग्राफी करते हुए पुलिस को कैसे इस बात का इल्म नहीं होता है, बर वक्त पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची। वाज़ह रहे कि फिलिस्तीन की हिमायत में नारा लगाने के बाद से ही बीजेपी के अरकान व कायदीन सदर मजलिस के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे थे। भाई ये काम हमने करा है और देश के जितने भी यूथ हैं 140 करोड़ लोगों को इस काम को करना चाहिए। देश में हमें एमएलए एमपी पार्षद ये सब ऐसे नीचे नहीं पे तो भारत माता की जय ना बोले, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओबीसी ओवैसी के ऊपर सख्त छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे और मजहब है प्यारा जिसे देश से पहले वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा पीर बजरंगी, हर हर महादेव। Gracias.